नमस्कार साथियों, मैं शर्मा गुजराती आपका दोस्त एक नया वीडियो लेकर आया प्रतिशत का। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। चैनल का नाम साथियों मारुति। मारुति मैथ्स मैथ्स ठीक है। और टॉपिक चल रहा है अपना प्रतिशत, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे साथियों तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नए हैं तो चैनल पर। चलते फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज इस सेशन में अपना ये प्रतिशत का टॉपिक समाप्त हो जाएगा, फिर अगला नया टॉपिक की शुरुआत करेंगे हम। तो चलो क्वेश्चन है अपना, एक विद्यार्थी को किसी का 3 सहित 1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया। एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3 सहित 1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया, ठीक है। ज्ञात करने के लिए कहा गया, उसने त्रुटि अंश उस राशि का 5 सहित 1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने त्रुटि अंश उस राशि का 5 सहित 1/2% ज्ञात किया। 5 सहित 1/2% ज्ञात किया जो 220 रुपये था। तो उसका सही उत्तर क्या था? यही है ना, उत्तर क्या है? ये क्वेश्चन है आज का फर्स्ट क्वेश्चन अपना कि एक विद्यार्थी को किस संख्या का 3 सहित 1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया, पर उसने गलती से क्या किया, उस संख्या का 5 सहित 1/2% ज्ञात किया जो 220 रुपये था। जो क्या था? 220 रुपये था। तो उस संख्या का सही उत्तर क्या था? उस संख्या का सही उत्तर क्या था, ठीक। तो उसे पता करना था कितना, 3 सहित 1/2%। उसने ज्ञात क्या किया? 5 सहित 1/2% किया जो 220 रुपये था। तो देखो, 2, 2, 5, 10 और 11, 11/2% अगर 220 के आते हैं तो ये तो कौन सा है अपना, गलत परसेंट है, ये गलत है और ये राइट है, ठीक है। ये रॉन्ग है, ये राइट है, ठीक है। 3 सहित 1/3% को कैसे साधारण दिन में कैसे बदलेंगे? 3 × 2 = 6 और 1 = 7, 7/2%, ठीक है। तो हमें कौन सी वैल्यू पता करनी? ये वाली पता करनी, ठीक है, सही वाली पता करनी, क्योंकि गलत वाली तो दे रखी है 220 रुपये, पर हमें ये सही वाली पता करनी, ठीक है। तो यहां से देखो क्रॉस गुणा करेंगे, 220 × 7/2, ठीक है। और इधर ये बटे में लिखेंगे तो बटे में 11 × ये
बटे के बटे में रहेंगे इसलिए दो ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा अपना, 220 इंटू 7 इंटू 2 बटे में 2 इंटू 11। देखो यहाँ पर अब ये दो कौन सा, ये दो कौन सा, तो ये दो कौन सा है, ठीक है, ये दो ये वाला है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, 7 बटे 2, तो ये 2 लिख दिया, ठीक है। और ये दो, तो देखो 2 से 2 काट देंगे, ये 2 से 2 काट दिया, 11 से इसे काटेंगे, 2 20 बार कटेगा, 20 इंटू 7 करेंगे तो 140 अपना राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो वो संख्या कौन सी थी, इस संख्या से, तो ये 3/1/2% की संख्या है 140, ठीक है। तो उम्मीद है कि सभी को क्वेश्चन समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें अपना। अगला क्वेश्चन है, चलो इसे मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तक पर और तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर करता है, खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 रुपये बचते हैं, उसकी मासिक आय पता कीजिए या कितनी है। तो राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, राम अपनी आय का 20% घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च करता है तथा शेष आय का 15% पुस्तक पर तथा शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% काय पकड़ रही हूँ, कपड़ों पर खर्च करता है, ठीक है, खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 रुपये बचते हैं, अब उसके पास 9,520 रुपये बचते हैं, उसकी मासिक आय कितनी है ये पता करना है। ये क्वेश्चन है अपना कि राम 20% घरेलू आवश्यकताओं पर, 15% पुस्तकों पर और 30% कपड़ों पर खर्च करता है। तो अब उसके पास कितना, उसके पास 9,520 रुपये बचते हैं, उसकी मासिक आय पता करनी है। देखो ये 100% होगा उसके पास आय, ये तो है उसकी आय और ये खर्च, जो खर्च, आय तो हमेशा होती है 100%, चाहे वो 10,000 5,000 कितने भी हो, पर उसे 100% माननी पड़ेगा, ठीक है। अब वो इसके बाद खर्च कितना करता है भाई, 20%, ये 20% क्या है, काय के ऊपर, घरेलू के ऊपर, ये घरेलू पर 20%, अगर देखो 20% खर्च करा तो बचे कितना, 80%, ठीक है। अब 80% उसने शेष 15
15 पुस्तकों पे कर रहे हो तो 80 का 15% निकालो भाई। कैसे निकालेंगे? 15 × 120 पूरी है तो 12% तो 80 में से देखो कैसे निकाला हमने डायरेक्ट, ये 15% निकालना तो बटे में 100 लिखेंगे ना, 1 0 से 0 काट दी, 15 × 120 बटे में 10, 1 0 से 0 तो यानी कि 12% आएंगे। ठीक है तो 80 का 12% 80 में से 12 माइनस करेंगे आप, ये काई के पुस्तकों के है ना, पुस्तकों के ठीक है, पुस्तकों 12 तो 80 में से 12 माइनस करेंगे तो बचेंगे कितने, 10 तो गए तो 68% ठीक है। अब 68% के बाद भी 30% कपड़ों पर खर्च करता है, 68 का 30% निकालो, देखो 8 + 24 = 4, हासिल की 2 और 8 × 6 = 18 और 2 = 20, 20 आए और 1 0 है तो यहाँ से हम 2 पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं, 20.40 कर सकते हैं ठीक है, या फिर डायरेक्ट ऐसे ऐसे 30% निकालोगे तो ऐसे बनेगा तो 1 0 से 0 कट जाएंगी ठीक है, 8 × 24 = 4, हासिल की 2 और 3 × 18 और 2 = 20 और 1 0 तो ये यहाँ पर 20.4 कह सकते हैं। देखो पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या के आगे 0 लगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं ठीक है, ठीक है तो इसमें से 68 में से 20.4 यहाँ से तो घटाएंगे, 10 में से 4 अगर 6 बची, इधर 1 तो यहाँ 7 ठीक है, इधर 2 तो 4 तो 47.6 बचेंगे, 47.6 बचेंगे ठीक है, ये इतने परसेंट बचत हैं, ये क्या है बचत, बची भी बचत वाली परसेंट है ठीक है। तो अब यहाँ पर 47.6% अगर अपने पास 9520 की हैं तो अपने 100% की वैल्यू पता करनी, कहा है क्वेश्चन में कि उसकी मासिक आय कितनी होगी, तो मासिक आय हमेशा अपन 100% मानेंगे, देखो क्रॉस गुणा कर देंगे, इधर से इधर क्रॉस गुणा किया तो यहाँ पर 9520 × 100 करेंगे बटे में क्या है 47.6, यहाँ से पॉइंट हटाया ऊपर 0 लग जाएंगे एक, अब देखो 47 और 6 इसे काटेंगे तो 4 से काटते हैं, 4 × 4 = 4, 4 × 4 = 36, 4 से काटा इसे फिर 4 × 4 = 4, 4 × 8 बची कितनी 1 तो 4 × 3 = 12, 3 बची 4 × 8 = 32 और 1 0 है ठीक है। अब 119 किसके पाड़े में, 17 के पाड़े में, 17 × 7 = 119 ठीक है और 17 × 17 बची 20, 3 × 3 = 6, 6 बची 17 × 68 यानी कि यहाँ पर 140 आए ठीक है, 140 को फिर 7 से काटेंगे तो 7 × 2 = 14 यानी कि 20 बार कटा, यानी कि डायरेक्ट कटोगे तो अपन 20 बार कटेगा इससे ठीक है। तो यहाँ पर 20 × 1000 करेंगे तो यहाँ बनेगा अपना 20,000 रुपये ठीक है, ये क्या है मासिक आय है, ये मासिक आय है ठीक है, तो राइट आंसर अपना 20,000 बनेगा। तो उम्मीद है सभी से क्वेश्चन समझ में आया होगा, देखो एक बार फिर देख लेना क्योंकि आय हमेशा अपन क्या समझते हैं 100%, आय को हमेशा हम क्या समझते हैं, चाहे उसकी आय 2000 से शुरू हो, 5000, 6000, 7000, 10000 किसी कितने ही रुपए से शुरू हो, पर उसे हमेशा हम परसेंट में क्या समझेंगे, उसे 100% आय समझेंगे ठीक है। तो देखो 100% आय आय है तो अब उसने बोला कि 20% घरेलू पे खर्च करता है, यानी 100 में से 20% खर्च कर देता है तो 80% बचेगा भी, फिर 80% बचने के बाद उसने कहा है आगे कि 15% पुस्तक पर खर्च करता है तो 80 का 15% निकालेंगे तो 68% बचेगी फिर, तो 68% का भी 30% कपड़ों पर निकालेंगे, ये यहाँ पर कितना कितना कम करना था यहाँ 68
68 का 30% निकला था ना, 0 से 0 और 6 से 18 नहीं, 8 से 24 4 हासिल दो 20, या 20.4 ये माइनस करेंगे 68 में से, तो 47.6 अपना बचत वाली परसेंट बचेगी। तो अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इतने रुपए की बचत होती है, तो इतने परसेंट की बचत हमने यहाँ से निकाल ली है, 47.6% अगर 9,520 रुपये की है तो 100% की वैल्यू पता करनी है हमें। 100% क्यों निकालें कि क्वेश्चन में कहा गया है कि मासिक आय, यानी उसकी टोटल आय पता करनी है, ठीक है। तो आय, टोटल आय पता करने के लिए 100% रखेंगे, तो देखो क्रॉस गुणा करने पर, काटने पीटने पर अपना निकल के आया 20,000, ठीक है। तो 20,000 क्या है, उसकी मासिक आय। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में जरूर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। वीडियो को लाइक जरूर करें साथियों, और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप चैनल को सभी को सब्सक्राइब यो शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए बने हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें चलो अगला क्वेश्चन है, एक मिनट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल पर खर्च न घटे। पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर, ये पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में पर एक उपभोक्ता को उपभोक्ता को पेट्रोल में ये पेट्रोल में उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी कि खर्च ना बढ़े, ये ना वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल पर खर्च ना घटे, करनी होगी जिससे पेट्रोल पर खर्च ना घटे, कितनी वृद्धि करनी होगी जिससे पेट्रोल पर खर्च ना घटे, ठीक। ये क्वेश्चन है अपना कि पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि ऐसा लिख लेना है, प्रतिशत भी है शायद। पेट्रोल के उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी, वृद्धि है चलो प्रतिशत नहीं है। तो देखो पहले कितनी थी 100%, अब 10% की कमी है ये, तो ये कितनी आएगी 10% की, अगर इसमें से 10% माइनस करेंगे 100 में से, तो यहाँ पर 90%, ठीक है। देखो तो अब हम 90 पर आए, तो ये कमी किसके ऊपर रहेगी, 90 के ऊपर, 10 की कमी 90 के ऊपर इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत निकालना है इसलिए, तो 0 से 0 काट देंगे, और 9 से 9 एकम 9
11 से 1/9% अपनी क्या होगी, वृद्धि होगी, ये वृद्धि होगी इसमें, ठीक है, वृद्धि 11 से 1/9% की वृद्धि करेंगे तब पेट्रोल पर खर्च ना घटेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अपना, वो देखते हैं। किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि होने पर, किसी वस्तु पर कर में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, यहाँ पर वृद्धि है, 20% की वृद्धि होने पर इसकी खपत में, 20% की वृद्धि होने पर इसके खपत में 20% कमी कर दी गई, इसकी खपत में 20% कमी कर दी गई, खपत में 20% की कमी कर दी गई, इस वस्तु पर कुल कर प्राप्ति ये पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, देखो, किसी वस्तु पर कर में 20% की वृद्धि, यानी कि 100 से 20% की वृद्धि करेंगे भाई, तो 20% की वृद्धि करेंगे, ये वृद्धि करेंगे तो 120, ठीक है, 120%, ठीक है। फिर इसके खपत में 20% की कमी, तो 120 का 20% निकालेंगे तो 12 × 24, यानी कि अब 120 में से 24 माइनस करेंगे, 24% माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, 96%, ठीक है। तो देखो पहले कितने था, 100 था, अब कितना है, 96%, तो कितने की कमी है, 4% की कमी, ठीक है। तो राइट आंसर अपना 4% है। तो उम्मीद है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 4% की कमी आई है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन है,